गाजियाबाद में व्यापारियों ने कलेक्टर परिसर में किया प्रदर्शन। प्रदर्शन की वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग को रोका जाए। व्यापारियों का कहना है कि छोटे बड़े जो खुदरा व्यापारी हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने से उनका रोजगार इस बड़ा असर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि छोटे बड़े जो खुदरा व्यापारी हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने से उनके रोजगार पर इसका भारी असर देखने को मिला है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आज जो यहाँ एकजुट हुए हैं, तो उनकी मांग ये है, जो खुदरा व्यापारी है जो बड़ा परेशान हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनी विदेशों से आती हैं, यहाँ का राजस्व लेकर डामाडोल होकर भाग जाती हैं। उससे दो चीज़ होती हैं, एक तो देश कमजोर होता है, जो रीढ़ की हड्डी खुदरा व्यापार है वो टूटता है, और दूसरी चीज़ ये है कि आज खुदरा व्यापार, छोटे व्यापारी सब सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। और हमारी मांग ये है कि नियामक आयोग बने और ऐसे खुदरा व्यापारियों के पक्ष में सरकार एक नियम कानून बनाए जिससे ऐसे प्रदर्शन रोके, और हम समझते हैं कि हम सरकार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आज हमारी मांग भारत सरकार से है, प्रधानमंत्री के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जो ऑनलाइन कंपनियां चल रही है उससे व्यापार हमारा आधा हो गया है, उन पर नियम कानून आयोग बनाया जाए, जो बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, इन पर एक नियम कानून बनाया जाए जिससे हमारे से मंदा माल जो बेच रही है वो ना बेच पाए। अगर ये नियम कानून नहीं बनेगा तो जो खुदरा व्यापारी है सब खत्म हो जाएंगे, वो खुदरा व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। विदेशी कंपनी हमारे देश में माल बेच रही है, सारा राजस्व हमारा विदेश बाहर जा रहा है, हमारा GDP घटता जा रहा है, तो इसी का कारण यही है, ये मंदी का कारण है कि हमारा देश उभर नहीं पा रहा। ऑनलाइन जितनी बंद हो जाएगा GDP अपना बढ़ जाएगी हमारी। हमारी भारत सरकार तो ये मांगे, इन पर नियम कानून आयोग बनाएगा। जी आप बताइए क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा उद्योग व्यापार मंडल है और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, इन जितना हमारा ऑनलाइन और खुदरा व्यापार माइनस में जा रहा है, हर व्यापारी का ऑनलाइन पर परचेजिंग कर रही है पब्लिक और दुकानों पे भीड़ नहीं आ रही है, मॉलों पे पब्लिक जा रही है, दुकानों पे भीड़ नहीं आ रही है, हम ऐसा व्यापार कैसे करेंगे? अगर ऐसा ही व्यापार करना है तो व्यापार बंद करने की नौबत आ गई है हम सब व्यापारियों की। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करेगा।